इस कैसे हो आप सब आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ मैं सुबह से ही थोड़ी बिजी थी और सुबह बाद 11 बजे के बाद में मैं, मैं नहाने धोने के बाद कुछ लड्डू बनाए गूँ के वो आप लोगों के साथ अभी सामने शेयर करूँगी और अभी मैं मेरी ट्यूब के पास खड़ी हूँ तो देख लीजिए तैयार हो गई है कल रात को ही ट्यूबवेल में मोटर डाल दी गई थी तो ये देखिए आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं ये देखिए ट्यूबवेल जो आप लोगों को सामने दिखाई दे रही है ये तैयार हो गई है और वो जो चार फुवारे चल रहे थे वो उसी तरीके से चल रहे हैं कुछ पानी कम हो गया है लेकिन ठीक ठाक चल रहे हैं अभी ये फसल तो करवा देगी आगे की आगे देखेंगे और अब आप लोगों से मिलती हूँ मैं आगे तो गाइस यहाँ पर मेरी सास माँ है वो चाकी से मेथी पीस रही है कल लड्डू बनाएंगे मेथी का जिस दिन आपके पास ये वीडियो जाएगा उस दिन हम मेथी के लड्डू बनाएंगे आज गोंद के बनाए थे और कल मेथी के बनाएंगे तो इसलिए यह थोड़ी सी मेथी पीस रही है जो चक्की में नहीं पीसी जाती थोड़ी सी मेथी चक्की में पीसी जा सकती है थोड़ी मेथी तो जो इसलिए ये मेरी सास माँ यहाँ पे पीस रही है मेथी ये पहले के ज़माने की चक्की है ये अभी भी हमारे घर में है तो हम लोग जो कुछ भी पीसना होता है इसी से पीसते हैं क्योंकि हमारे घर में मिक्सी नहीं है तो हम इसे मिक्सी की तरह ही यूज करते हैं और मेरे पति इसे फेंकने के बारे में हज़ार बार बोल चुके हैं लेकिन मैं और मेरी सासू जिद पर अड़े हुए हैं कि हम इसे नहीं फेंकने वाले हैं क्योंकि ये हमारे बहुत ही काम में आती है जैसे थोड़ी बहुत दाल दलनी होती है तो इसे दल सकते हैं मूंग की दाल चने की दाल कुछ भी दाल हो उसे इसे दल सकते हैं हम और जो आटा होता है बेसन उस इससे भी पीस सकते हैं जो थोड़ा होता है ना, जैसे चने एक के जी होते हैं वो चक्की के अंदर पीसते हैं तो इसके अंदर ही रह जाते हैं और ये चाकी के अंदर पीसते हैं तो सारे बाहर आ जाते हैं आटा जो बनाते हैं इससे तो हम बेसन भी बना सकते हैं कुछ भी जैसे हम मिक्स यूज़ करते हैं इसी तरीके से यह चाकी का यूज़ किया जाता है तो देख लीजिए ऐसे ऐसा नज़ारा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा गाँव के अंदर ही शायद मिल सकती है चाकी वरना शहर में तो मिलेगी भी नहीं आपको या तो मिक्सी या चक्की दो ही चीज़ें मिलेगी चक्की हमारे घर में भी है लेकिन मिक्सी नहीं है तो हम इस चाकी का मिक्सी की तरह यूज़ करते हैं मेरे पति और मेरे ससुर जी बोलते हैं कि इसे फेंक दो लेकिन हम फेंकने वाले नहीं हैं मैं और मेरी सास मजीद पे अड़े हुए हैं कि इसे नहीं फेंकेंगे तो गाइस देख लीजिए ऐसा नज़ारा आपको देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा ये देखिए मेरी सासुमा दब चला रही है चाकी को मैं भी चलाती हूँ मुझे भी चलाना आता है इसे चाकी को पहले मुझे नहीं आता था लेकिन मैं मेरे जो मायका है वहाँ पे यह चक्की नहीं है यहीं पर ही है मैं यहाँ आने के बाद में ही चलाना सीखा था लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि दाल कैसे दली जाती है और आटा कैसे बनाया जाता है इस चाकी से लेकिन धीरे धीरे मैंने सब कुछ सीख लिया है क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं इसे चलाती थी और ट्राई करती थी कि कैसे चलाएं कैसे चलाएं तो ऐसे करते करते मैंने ट्राई करते करते ही सीख लिया सब कुछ तो देखिए ये चला रही है मेरी सासू माँ यहाँ पर चाकी इसके अंदर मुट्ठी भर कर डाल देते हैं और फिर पीस लेते हैं फिर मुट्ठी भर कर डाल देते हैं अगर दाल दलनी होती है तो हम थोड़ा ना ज़्यादा डालते हैं और अगर आटा बनाना होता है तो हम थोड़ा कम डालते हैं कम डालते हैं तो आटा बन जाता है और ज़्यादा डालते हैं तो दाल बन जाती है ये यह देखिए यहाँ पर मैं आई हूँ यहाँ पर रिजगा लेने के लिए तो सोचा आप लोगों को फिर से टूर करवा दूँ मेरी खेती है थोड़ा सा रिजका है उसका तो देखिएगा हमारा बालाजी का मंदिर और ये है जो जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं देखिए और यहाँ पर है रिजका ये देखिए यहाँ पर मैं काटने वाली हूँ रिजका यहाँ से इतनी दूर में से कटाई कर दी है रिजके की और यहाँ पर देखिए ये इसका इतना बड़ा बड़ा हो गया है ये देखिए चारों और हरियाली छाई हुई है और थोड़ा कोरा सा भी आ रखा है यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर काली मिर्च ये देखिए मैंने काली मिर्च का पाउडर इसे कूट कर बना लिया था और ये पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर और अब डाल रही हूँ गट जो कि जो गट होता है उसे मैंने उखल में उखली होती है ना उसमें कूट लिया और फिर डाल रही हूँ कूट कर थोड़ा थोड़ा दरदरा रहता है अगर हम कूटते हैं तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है लड्डू के अंदर तो मैंने पहले आटा सेक लिया था घी के अंदर डालकर और ये गूँद भी सेक लिया था और फिर ये काली मिर्च और ये जो गट है ये डाल रही हूँ अब डाल रही हूँ ये गूँध ये गोंद होता है ना ये गोंद अगर हम पीस कर भी डाल सकते हैं जैसे कि हम किसी चम्मच की सहायता से थोड़ी थोड़ा दबा कर पीस सकते हैं या फिर किसी पत्थर की सहायता से भी पीस सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर पीस कर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को पीस कर डाला हुआ गोंद पसंद नहीं है तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ कुछ लोग पीस कर भी डालते हैं तो ये है लगभग दो सौ पचास ग्राम गूँद तो मैं इसके अंदर डाल दिए हैं ये देखिए अब मिला लेते हैं इसे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे लेकिन पहले इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे ये दो के जी घी था इसमें मैंने ये आटा है ये सेक लिया था पहले घी डालकर इसमें आटा डाल दिया फिर चूल्हे पर रख के कढ़ाई में और सेक लिया था फिर इसके अंदर मैंने काली मिर्च और जो गट था वो कूट कर डाल दिया और गोंद डाल दिया है और अब इसे मिक्स कर रही हूँ मैं अच्छी तरीके से ये देखिए यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ मैं ये देखिए आप लोग क्योंकि इसमें अच्छी तरीके से पूरे आटे में मिक्स होना चाहिए इसलिए मैं बहुत ही अच्छी तरीके से धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये परात थोड़ी सी छोटी है तो नीचे गिर रहा है तो इसलिए मैं धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर ये देख लीजिए यह देखिए गाइस ये मेरी बेटी है साइड में पेड़ निकाल रही है जो वीडियो में आ गया है मुझे अब पता चला जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी ये हाथ पेड़ निकाल रही है यहाँ पर दिखा रही है पेड़ निकाल निकाल कर यहाँ पर ये देखिए साइड में पेड़ निकाल रही है ये ये देखिए मैंने ये मिक्स कर लिया है अब बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है जब हम लड्डू बनाते हैं तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है तो मैं सुबह ग्यारह बजे बनाने लगी थी तो फिर मैंने लड्डू बनाए और मुझे लगभग डेढ़ बज गए थे डेढ़ बजे बाद में मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया जब थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया जैसे कि हम हाथ में सहन कर सकते हैं उतना ठंडा हुआ तब मैंने ये गोंद वग़ैरह यह मिलाया है बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है यहाँ पर देखिए और मेरे दोनों हाथ सन गए हैं घी में अब मैं ऐड कर रही हूँ चीनी यह तीन के जी चीनी है तो मैं दो के जी ही यूज करूँगी एक के जी रख लूँगी ये देखिए दो के जी यूज़ किया मैंने अब इस चीनी को हम अच्छे से मिला देंगे आटे के अंदर ये देखिए मैंने अच्छी तरह तरीके से मिलाया है यहाँ पर और मैं धीरे धीरे मिला रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी परात है ये छोटी है और मुझे मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं दो परातों में डालूँगी तो मुझे दो की सफ़ाई करनी पड़ेगी तो शायद मैं कर लूँ इसमें ही देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करनी पड़ती है चीनी वरना एक साइड कम चीनी रहती है और दूसरी साइड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है ये देखिए यहाँ पर चीनी मिक्स हो गई है अब लगभग हो चुकी है थोड़ी बहुत है तो मैं अभी कर देती हूँ मिक्स ये देखिए और बाहर मेरी जब मैं वो जो आवाज़ वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी मेरी बकरियाँ भी बोल रही है साइड में आपको सुनाई दे रही होगी इग्नोर कर दीजिएगा ये यहाँ पर कुछ आटा जो था वो नीचे गिर गया था तो शायद साँसुआ देख ले तो डांट पड़ जाए तो मैंने वापस अंदर डाल लिया है ये देखिए यहाँ पर मैंने लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया है इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू बनाए थे ये देखिए ये देखिए और ये जो मैं लड्डू रख रही हूँ ये इस भगोने में इस भगोने में मैंने एक बार केक बनाया था पिछली साल तो इसका सत्यानाश हो गया मैंने बहुत ट्राई की इसकी ये जो काली काली सी लग रही है ना इसे साफ़ करने की लेकिन ये नहीं हुआ इसका इतनी बुरी तरीके से सत्यानाश कर दिया मैंने और केक भी वो मेरा नहीं बन पाया था लेकिन मैंने इसका सत्यानाश पक्का से कर दिया यहाँ पर देखिए मैंने तीन लड्डू बना लिए हैं ये देखिए इसी तरीके से मैंने पूरे लड्डू बनाए थे ये जो भुगोना है ना ये पूरा भर गया था तो गाइस आप लोगों को जो मेरे ब्लॉग्स हैं वो कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और जो कुछ भी मुझसे जो गलतियां हो रही है वो भी बता देना अगर आप लोग मुझे गलती का एहसास करवाएंगे तो शायद मैं ब्लॉग अच्छे से बना पाऊँ तो मैं यहाँ पर देखिए कितने लड्डू बना लिए हैं मैंने गिन सक सकते हैं आप लोग देखिए और ये सर्दियों में जो लड्डू होते हैं ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और बच्चे बड़े ही चाव से खाते हैं तो हम हर साल ही बनाते हैं आज ये गोंद के बनाए थे कुछ दो के जी में बनाए थे और कल हम मेथी के बनाएंगे क्योंकि एक दिन में तो इतने सारे लड्डू बनाना आसान नहीं होता तो दो तीन दिन लगेंगे शायद लड्डू बनाने में ये देखिए इतने सारे लड्डू बना लिए हैं मैंने आप लोग भी बना कर खाइएगा सर्दियों में लड्डू सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और अच्छे भी लगते हैं ये देखिए है। इसी तरीके से बना रही हूँ मैं लड्डू यहाँ पर ये देखिए ये देखिए यहाँ पर मैंने इतने सारे लड्डू बना लिए हैं इसी तरीके से मैंने पूरे लड्डू बनाए थे मैं कर रही हूँ वीडियो का एंड अगर मेरा ब्लॉग्स आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब पक्का से कर लीजिए और कमेंट करके मुझे बताना कि मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं Thank you. Bye bye.